आपका आईआईटी क्रैक तभी होगा जब आपके पास स्ट्रॉन्ग इंटरनल मोटिवेशन, क्योंकि उस सिचुएशंस में 2 घंटे पढ़ो और बिना मोटिवेशन के, बिना किसी माने मिस नहीं होता है कि एक्सटर्नल मोटिवेशन का हेल्प लेकर के आप 10 घंटा पढ़ो, वो दोनों इक्वल है। यानी इंटरनल मोटिवेशन से 2, यानी खुद से पढ़ना नहीं होता है ये चीजें, खुद से नहीं होता है कि किसी के कहने पर कोई पढ़ता है, तो ऐसे 10 घंटा भी पढ़ तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक है कि वो लड़का खुद से पढ़ता है, खुद से पढ़ाई करता है बिना किसी के कहे, क्योंकि उसको करना है कुछ लाइफ, वो ढूंढने में कुछ लगा है, वो हर रोज कुछ नया ढूंढने में लगा। तो यदि वो 2 घंटा भी पढ़ता है ना, तो उस बंदे से बेहतर पढ़ता है, पढ़ रहा है जो 10 घंटे दूसरे के कहने से पढ़ रहा है। अभी आपका बेसिक चलेगा, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स में क्या क्या होगा, एक तो रियल नंबर, ठीक है, फिर इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी के कई पार्ट है, लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी, फिर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ठीक है। इसके बाद रेशनल इनइक्वालिटी, ये हो जाए, ठीक है ना, हम यहीं तक पढ़ पाएंगे। इसके बाद स्टार्ट होगा फंक्शन, फंक्शन स्टार्ट होगा। फंक्शन में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन, ये आप जानते हो, यही हो गया, यहीं से कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, इसमें और हम पढ़ लेंगे हायर ऑर्डर का इनइक्वालिटी, ठीक है ना। जब ये हो जाएगा ना, तो अब बाकी आप पढ़ लोगे क्यूबिक इनइक्वालिटी, ठीक है ना, रेशनल में क्यूबिक वगैरह, अब इन जनरल कर लो, या मिक्स टाइप इनइक्वालिटी, ये हो जाए, ठीक है। अब यहां पर हम फंक्शन पॉलिनोमियल एंड इट्स इनइक्वालिटी, इट्स इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी दोनों, इस इक्वेशन में तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने में, ठीक है ना। तो अभी मैं इनइक्वालिटी की बात करूं, या सिंपल सिंपल इक्वेशन तो समझ ही सकते हैं, ठीक है ना, एंड इट्स इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी, ठीक है। इसके बाद आपका एक्सपोनेंशियल स्टार्ट होगा, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी, ठीक है। इसके बाद लॉग, लॉगरिथम, इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी, हम थोड़ा बहुत ग्राफ भी सीखते चलेंगे, ठीक है ना, हम साथ में थोड़ा बहुत ग्राफ भी सीखते चलेंगे। इसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी, ठीक है। इसके बाद लिस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन का इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। इसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा फ्रैक्शनल, तो हो गया, ये हो गया सिग्नम फंक्शन, सिग्नम ऑफ एक्स, इसका इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका मोड, बीच में ही डाल दो, छूट गया ना, मोड कहीं आ जाएगा, नीचे जगह नहीं है तो यहीं पर लिख देता हूं, मॉड्यूलस ऑफ फंक्शन, इसका इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। यानी हर एक का इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी पढ़ना जरूरी है, क्यों। अब मान लीजिए कि आपको कोई बतला दिया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, अब आपको मालूम है कि इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, ये आपको पता है, लेकिन अब ए के जगह पर इनमें से कोई एक रिलेशन दे देगा, मोड के साथ रिलेशन दे देगा इक्वेशन या इनइक्वालिटी का,
ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ रिलेशन दे देगा इक्वेशन या इनइक्वालिटी का, लिस्ट इंटीजर के साथ दे सकता है, फ्रैक्शनल के साथ दे सकता है, एक्सपोनेंशियल के साथ दे सकता है, पॉलीनोमियल के साथ दे सकता है। आपको प्रोबेबिलिटी निकालने आता है लेकिन यही सब नहीं पता है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे आप निकाल पाइएगा? और 99.99% बच्चों को इसी में प्रॉब्लम है। उनको तो प्रोबेबिलिटी पता है, उनको एक्सपेक्टेशन निकालने आता है, लेकिन जैसे ही एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स पूछ दे, एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स पूछ दे, एक्सपेक्टेशन ऑफ लिस्ट इंटीजर फंक्शन का पूछ दे, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पूछ दे, एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉग एक्स पूछ दे, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई का पावर एक्स पूछ दे, एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स कमा वाई पूछ दे, अब उनसे हो ही नहीं रहा है। उनको एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला पता है लेकिन यही नहीं पता है, तो उनसे क्वेश्चन कैसे होगा? मैं तो आपको एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला बतला दूंगा, एक ही फॉर्मूला है। स्टैट सबसे आपका इजी टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक यदि कोई है तो वो है स्टैटिस्टिक्स, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, यही है पूरे स्टैट्स। लेकिन उसके लिए आपकी मैथमेटिक्स बेहतर होनी चाहिए। यदि आपका मैथमेटिक्स बेहतर है तो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन को चुटकी बजा बजा के खत्म कर दोगे, कुछ है ही नहीं। लेकिन मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए, मैथमेटिक्स कहने का मतलब कि ये सारे पार्ट अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो कि हम समय के साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे पास तो एक साल नहीं है ना ये सब पढ़ाने के लिए। आप यही सारी चीजें दो साल पढ़े हो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, ये सब पढ़े हो ना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये आप सारी चीजें दो साल पढ़े हो, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंसिबिलिटी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये चीजें आप केवल माने ये केवल आप दो साल पढ़े हो, तो दो साल की सारी चीजें को इतने कम समय में पढ़ा पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, यदि आप इतना भी अच्छे से कर लो तो मैं आपको पूरा आश्वासन दिलाता हूं या आश्वासन में देता हूं कि आगे आने वाले हर एक क्वेश्चंस को, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट हो, चाहे वो एक्सपेक्टेशन का हो, वेरिएंस का हो, प्रोबेबिलिटी का हो, ट्रांसफॉर्मेशन का हो, आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे। तो ये चीजें बेहतर होनी चाहिए, यदि यह बेहतर नहीं है तो माथा पटक दोगे ना, फिर भी न्यूमेरिकल उसका सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे पास 500 स्टूडेंट्स है, उनको यह पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का क्या फॉर्मूला है, ये सबको पता है, स्टाइल जो पढ़ रहा है ये सबको पता है कि यही वाला फॉर्मूला होता है, कंटिन्यूअस के केस में और डिस्क्रीट के केस में अलग होता है, यही फॉर्मूला होता है, ये सबको पता है। लेकिन यहां पर दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब उनसे हो ही नहीं रहा, अब उनका पेन ही नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनको यही ब्रेक करने नहीं आ रहा, उनको यही सारी चीजें ब्रेक ही नहीं करने आता, तो कैसे करेंगे? या एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स कमा वन माइनस एक्स इसका देते, अब उनको यह डिफाइन ही नहीं करने आ रहा, ब्रेक ही नहीं करने आ रहा। एक्सपेक्टेशन तो पता है, वही हमें तो पता है कि यह होता है, लेकिन वो करने के लिए पहले आपको मैथमेटिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा ना। यदि यह आपको ब्रेक करने ना आए तो आप एक्सपेक्टेशन का डिफिनेशन जानो या एक्सपेक्टेशन का डिफिनेशन न जानो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बस मैं आपको यह बतलाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए यह मैथमेटिकल टूल्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो बेसिक क्लास होने वाली है ना, ये आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हर कोई नहीं कराएगा, आप कहीं भी जाओ डायरेक्ट जाएंगे का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, फिर भी मैं करा रहा हूं। क्यों?
क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे पास आया है और वो लापरवाही नहीं कर रहा है तो बेहतर हो करके जाए, उसको किसी भी चीज की कमी आगे चल के महसूस न हो कि यह आता तो मैं कर लेता, वो चीजें सब कुछ आपके पास है। यानी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी, इसकी मैं 100% गारंटी देता हूं। बस आपको अपने तरफ से मेहनत करना है, हमेशा अपने आप को पुश करते रहना है, हर रोज बेहतर बनाने की कोशिश, हर रोज को बेहतर बनाने की कोशिश करना है, हर रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करना है। तो ये सारी चीजें, तो ये आपका अच्छा होना चाहिए। यदि ये अच्छा नहीं रहा हुआ ना, या आप अच्छा नहीं कर पाए मेहनत करके, तो शायद मैं आगे भी आपकी कुछ खास हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा, मैं इसकी 100% गारंटी देता हूं। लेकिन जैसे ही आप मेरे से दूर जाओगे और इसको थोड़ा सा चेंज करके नया क्वेश्चन दे देगा, आपसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका यही वीक है। और यह तो समझ में आया, कब तक? जब तक आप मेरे सामने हो तब तक, फिर आपसे बाद में नहीं होगा। बाद में कैसे होगा? जब आपका यह अच्छा होगा, और यह कोई नहीं कराता है, केवल और केवल ये चीजें सुप्रीमम क्लासेज में ही चलती है, ओनली सुप्रीमम क्लास। क्योंकि कोई इस लेवल पे आ करके आपको दसवीं लेवल से पढ़ाना स्टार्ट करे, अपना एनर्जी लगाए, मैंने तो नहीं देखा। हाँ, अब यदि पढ़ाने लगे तो काफी अच्छी बात है, मैं सब सुप्रीमम को फॉलो कर रहा है। नहीं देखो, पहले कोई टेस्ट नहीं लेता था, ठीक है, पहले कोई मॉक टेस्ट नहीं लेता था जैन में, अब हर कोई धीरे धीरे मॉक टेस्ट लेना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसका श्रेय सुप्रीमम क्लासेज को जाता है, क्योंकि हमने मॉक टेस्ट के ही दम पर पिछले साल 70 बच्चों को IIT में पहुंचाया था। लेकिन जो शुरुआत करता है ना, उसकी क्वालिटी दूसरों के कंपेयर में बेहतर होती है। अब कहोगे सर कोई क्वेश्चंस को कॉपी कर लेगा, अरे ये क्वेश्चन कॉपी करेगा कि हमारा कंसेप्ट कॉपी कर लेगा, जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, जो वो क्वेश्चंस में बना करके सीखा हूं, क्योंकि क्वेश्चंस बनाने में घंटों लगते हैं। जो क्वेश्चंस मार्केट में, उसको सॉल्व करना तो आसान है, लेकिन नया क्वेश्चन जो मार्केट में ही नहीं है, उसको बनाना टफ है। तो वो जो मैं बनाते समय जो सीख रहा हूं, उसको कोई कैसे चुरा सकता है? तो क्वेश्चंस कोई चुरा सकता है, यानी कोई शरीर चुरा सकता है, आत्मा थोड़े चुरा सकता है। नहीं, आत्मा तो सुप्रीमम के पास ही रह गया, आप शरीर लेकर के जाओ लेकिन आत्मा सुप्रीमम के पास रहेगी। तो ये आपका मिला जुला करके बहुत ही बेहतर होना चाहिए। यदि ये आप बेहतर नहीं कर पाए तो 20 फरवरी के बाद से आपकी मुश्किलें स्टार्ट होगी। अभी तो नहीं होगी, लेकिन जैसे ही 20 फरवरी आएगा और मैं जैम का टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, उस दिन से आपकी असली तकलीफ होना स्टार्ट हो जाएगा। यदि आपका पहले से बेहतर है तो भले भले, कोई तो लोड ही नहीं है, तब इंजॉय करो, जैम का टॉपिक पढ़ लो। लेकिन बेहतर नहीं है तो उसको बेहतर करो। अब ये कैसे बेहतर होगा? एक तो मैं पढ़ाऊंगा, और एक आपको भी खुद से अपने आपको मेहनत करा करके बेहतर करना होगा, ठीक है ना। खुद से भी मेहनत करके इस चीज को बेहतर करना होगा, ताकि आप स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको खुद से बिना मेरे कराए। नहीं होता है कि आप बिना मेरे कराए कर रहे हो, या इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि आप बिना मेरे कराए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना। तो अभी आपका चलेगा बेसिक मैथमेटिक्स, ये चलेगा 20 फरवरी तक, 20 फरवरी 2024 तक। 20 फरवरी से आपका स्टार्ट होगा IIT जैम का सिलेबस, जो मेजर टॉपिक है। वो कैसे स्टार्ट होगा ये मैं आपको बतला देता हूं। आपका 30% मैथमेटिक्स है, जैसे कि मैं पिछले क्लास में आपको बतलाया था, नहीं जो इंटरेक्शन क्लास था, ये भी आपका इंटरेक्शन ही क्लास है,
क्योंकि अभी प्लानिंग जानना जरूरी है कि चीजें कैसे चलेगी, और आपका 70% स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन इस 70% में 90% मैथमेटिक्स ही है। नहीं, यदि आपको यह नहीं करने आएगा तो एक्सपेक्टेशन कैसे निकालिएगा? फॉर्मूला तो पता है लेकिन कैसे निकालिएगा? यदि आपको यह करने में ब्रेक करने नहीं आएगा तो आप एक्सपेक्टेशन कैसे निकालिएगा? नहीं निकाल पाइएगा, सिंपल सी बात है। तो रोल कितना किसका हो गया? 90% मैथमेटिक्स ही हो गया ना। ये तो फॉर्मूला किसको नहीं पता है? एक आप ही अकलौता थोड़े हो जो स्टैट्स पढ़ रहे हो और किसी को एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला नहीं पता है। जितने भी बंदे स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं ना, सबको ये एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला पता है, फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ 90% मैथमेटिक्स यूज हो रहा है, उन्होंने उस पोर्शन पर ध्यान ही नहीं दिया, उसको कभी सीरियसली लिया ही नहीं। तो इस पॉइंट को आपको बहुत ज्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि तकलीफ मुझे भी होती है जब आप इस स्टेज में आकर के, यानी इस टाइम, जब आपका यह टाइम आएगा 2024 में, यानी नवंबर दिसंबर वाला टाइम, और आपसे क्वेश्चन नहीं हो। यदि आपसे क्वेश्चंस नहीं होगा तब जाकर के मुझे भी तकलीफ होगी और आप भी कुछ खास नहीं कर पाओ, क्योंकि आप कितना भी क्वेश्चंस का मॉडल देख लो और आपका बेस ही अच्छा नहीं है तो वो निरर्थक है, बिना काम का है। ऐसा नहीं कि उसका टाइप देख लोगे तो एकेडमी का बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, रट्टा मार्क ले वही आएगा, एकदम वही छाप देना है। अरे भाई IIT कंसेप्ट पूछता है। मैं कितना भी नया क्वेश्चंस बना दूं, यदि मैं 10 करोड़ भी नया क्वेश्चंस बना दूं, फिर भी इसकी 1% गारंटी नहीं है कि वो सेम क्वेश्चंस IIT पूछेगा, फिर भी उसकी कोई गारंटी नहीं है। सोच JEE एडवांस के मार्केट में कितने क्वेश्चंस, 10 लाख से ऊपर होगा हर एक कोचिंग का मिला दो, डिफरेंट क्वेश्चंस हर एक साल हजारों लाखों क्वेश्चंस बनते हैं, फिर भी एक भी क्वेश्चंस IIT के एग्जाम से नहीं टकराता है। तो क्या आपका क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट, क्वेश्चंस का मॉडल ना टकराए, क्वेश्चन ना टकराए, कोई बात नहीं, लेकिन IIT की इतनी औकात नहीं है कि वो डिफिनेशन को बदल दे या कंसेप्ट्स के साथ छेड़छाड़ कर दे। इतनी औकात किसी की नहीं है। तो जब भी पूछेगा वो डिफिनीशन से ही क्वेश्चंस बना के पूछेगा, वो उसी कंसेप्ट पर ही क्वेश्चंस बना के पूछेगा, भले पूछने का तरीका अलग होगा लेकिन कंसेप्ट वो नहीं बदल सकता है। क्वेश्चंस का मॉडल अलग हो सकता है, अप्रोच अलग हो सकता है, लेकिन वो डिफिनीशन और कंसेप्ट को नहीं बदल सकता। अब कोई एक्सपेक्टेशन का ये फॉर्मूला थोड़े बदल सकता है, नहीं बदल सकता है ना। तो वो कहां पर चेंजेस लाएगा? यहां चेंजेस ला सकता है, यहां चेंजेस ला सकता है, मिनिमम का मैक्सिमम कर सकता है। कहेगा अच्छा रुको ये बना देते हैं, मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा मैक्सिमम ऑफ 2x, ऐसा करते इससे हम उसको थोड़े रोक सकते हैं। अब इसके लिए क्या चाहिए? मैथमेटिक्स चाहिए। तो भले ही आपका 30% है लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इसका रोल 90% है, यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखना। यह नहीं कर रहे यार 30% के लिए कौन इतना तामझाम करे। तो इस 30% के चलते ना आपका यहां पर 10 मार्क्स भी लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, भले ही आपका स्टैट्स कितना ही फाड़ू क्यों ना हो, नहीं ला पाओगे। मैथमेटिक्स उसके लिए होना ही चाहिए, तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो यहां से आपका सिलेबस स्टार्ट होगा, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट होगा? आपका एक अल्टरनेट में,
यानी वीक में आपका ऑलमोस्ट 6 डेज क्लास होगी, ये कहने के लिए है, लेकिन 7 डेज ऑलमोस्ट हो जाती है, तो अभी 6 डेज ही मान के चलो, ठीक है ना, हम 6 डेज के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाते हैं। हाँ, लेकिन आपकी संडे को जो क्लास होती है ना, या तो उस दिन प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास होता है, या फिर जो आपका टेस्ट हुआ रहेगा उसका डिस्कशन क्लास होगा, ठीक है ना। इस दिन में थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, संडे को मैं थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास ही होगा। तो वीक में आपकी 6 डेज क्लास होगी, जिसमें से 3 डेज मैथमेटिक्स की क्लास होगी एंड 3 डेज स्टैटिस्टिक्स की क्लास होगी, और मैं ही पढ़ाऊंगा, दोनों मैं ही पढ़ाता हूं, तो मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, मैथमेटिक्स भी एंड स्टैटिस्टिक्स भी। आपको हर एक टॉपिक का, आपको हर एक टॉपिक का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रैक्टिस, और ऐसा नहीं कि वो हमें बनाना है, वो बना बनाया है, और ऐसा नहीं कि वही चीजें चिपका दी जाएगी, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब चूंकि हम अब एक लेवल ऊपर आएंगे ना, वहां तक तो चीजें हो गई ना, जैसे IIT हमेशा एक कदम आगे बढ़ता है, जैसे जो लेवल 2020 का है उससे बेहतर लेवल 2021 का है, उससे बेहतर लेवल 2022 का है, उससे बेहतर लेवल 2023 का है। तो जब IIT अपने आप को हर एक साल अपडेट कर रहा है, तो हमें भी तो अपने आप को हर एक साल अपडेट करना चाहिए, और इसके लिए चाहिए टाइम, जो कि मेरे पास है, टाइम ही टाइम है, ठीक है ना, बाकी कुछ काम ही नहीं है। तो आपको हर एक टॉपिक का ऑब्जेक्टिव टाइप प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इससे क्या होगा ना कि आपके अंदर ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अप्रोच करने का स्किल्स स्टार्टिंग से डेवलप होता रहेगा, और आपको पता रहेगा कि कैसे क्वेश्चंस को डील करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। और चूंकि प्रैक्टिस सेट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चंस इसमें ना हमने बहुत प्रिसाइज वे में बनाया है, लेवल 1 लेवल 2, ऐसा नहीं कि चीजें अचानक से छत से जमीन पर, जमीन से छत पर, ऐसा नहीं, एकदम स्मूथली आगे बढ़ेगा इसमें क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक से आगे बढ़ेगा, और लास्ट जाते जाते जो आपका लास्ट प्रैक्टिस सेट मिलेगा उसमें मिक्सचर ऑफ कंसेप्ट मिलेगा। और जो बुक के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो वन लाइनर क्वेश्चन होता है, जो बुक का क्वेश्चंस होता है वो डिफिनेशन बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, यानी वो आपको सिखाने के लिए, चलाने के लिए, कि आपको एक एक कदम वो चलाने सिखा देगा बुक, बाकी आगे का रास्ता आपको खुद तय करना है। तो उस आगे के रास्ते को तय कराने के लिए मैं आपको दे दूंगा प्रैक्टिस सेट। आपको एक बेसिक बुक भी करना है रिफरेंस के लिए, कोई भी आप बुक पकड़ सकते हो जो आपको पसंद है, ये नहीं कि फलाना ने वो बोल दिया तो आप वही पढ़ रहे हो, जो आपको पसंद है मेरे तरफ से फ्री है, फ्रीडम है, आप मेरे से किसी भी बुक का क्वेश्चन पूछोगे मैं आपको बतलाऊंगा, लेकिन मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि उसकी नौबत ही नहीं आएगी। आप मेरे से किसी बुक का क्वेश्चन पूछो, उसकी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि आपको इस तरीके से अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा कि बुक का एक एक क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये क्या ही दिया है, ये क्या ही दिया है, जब करने के लिए जाओगे तो ऐसा लगेगा कुछ है ही नहीं। तो हर एक साल से यही हुआ है, तो आगे भी यही होगा, ठीक है ना। तो मैंने प्रैक्टिस सेट आपके लिए चैलेंजिंग होगा, जो प्रैक्टिस सेट होगा ये आपके लिए चैलेंजिंग होगा, इसमें भी मिलेगा प्रैक्टिस सेट। तो अभी इस साल की मैं बात बतला दूं, किसी भी सीनियर से पूछ सकते हो, मैंने 100 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रखा, जिसमें से 43 के आसपास, 44 के आसपास मैथमेटिक्स का है, और बाकी 56-57 स्टैटिस्टिक्स का है, और हर एक टॉपिक का, जिसमें से प्रीवियस ईयर आपको अलग से मिलेगा, ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस सेट में भर भर के रखा हूं, नहीं, प्रीवियस ईयर आपको अलग से मिलेगा, प्रीवियस ईयर का अलग से यूनिट वाइज हम लोगों ने अलग कर रखा है, वो आपको अलग से मिलेगा। था इस साल का ये डेटा, तो इतना तो आपके पास पहले से रिजर्व है, तो ये तो चीजें जैसे पढ़ाई होगी वो पटाक से मिल जाएगा। पिछले साल क्या था, इस साल कि आज मैं टॉपिक पढ़ाया और प्रैक्टिस सेट बनने में ही 2 दिन लग गया,
यानी आज टॉपिक हुआ उनको 2 दिन के बाद प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। आपको ये चीजें साथ साथ मिलती जाएगी। हाँ, 2 दिन के जब बाद मिलेगा ना तो वो लेवल 5 का मिलेगा या लेवल 4 का, लेवल 4 लेवल 5 का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो जो इनका लेवल अब जाकर के इंप्रूव हो रहा है, यह सेम लेवल जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो लेवल है, जो स्किल्स है जो इनका अब डेवलप हो रहा है, यह आपको इसके पैरेलल ही डेवलप हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें आपको साथ में ही मिल जाएगी ना। ये तो हमने यहां तक तो सफर कर ही लिया है ना, अब हम इसके आगे की सोचेंगे ना, अब हम इसके आगे की सोचेंगे। तो जब हम आगे की सोचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ये चीजें अभी कर रहे हैं आप इसको मई जून जुलाई तक खत्म कर दोगे। इतना इनका ये जो अभी कर रहे इतना आपका मई जून जुलाई तक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्लासेज होगी और क्लासेज अल्टरनेट होगी। 3 डेज मैथमेटिक्स, 3 डेज स्टैटिस्टिक्स में मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, या तो मैथ होगा या फिर स्टैट्स होगा, दोनों में से कोई एक होगा, चेंज नहीं होगा। तो मान लेता हूं कि इस दिन मैं मैथमेटिक्स की क्लास ले रहा हूं और स्टैटिस्टिक्स की क्लास ट्यूजडे, थर्सडे एंड सैटरडे, इस दिन स्टैटिस्टिक्स की क्लास, ये टाइम टेबल। और संडे को जिस टॉपिक का हुआ रहेगा उस टॉपिक का टेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वो टेस्ट बना हुआ है, इस साल जो हुआ था ना टेस्ट में उसका टाइम से डिस्कशन नहीं करा पाया था, क्योंकि टेस्ट उससे बनना स्टार्ट होता था, फिर बनते बनते टाइम लगता था, जैसे टेस्ट उनका हुआ तब तक कोई नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, तब नए टॉपिक पर ध्यान चला गया, इसलिए वो टेस्ट का डिस्कशन रह गया जो कि अब हो रहा है। लेकिन वह टेस्ट हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, तो यह टेस्ट आपका होगा और उसी के साथ डिस्कशन भी हो जाएगा, और साथ में हर एक टेस्ट का आपको सोल्यूशन भी मिलेगा। इनको हर एक टेस्ट का सोल्यूशन अब मिल रहा है, सोचो इनको जिस टेस्ट का सोल्यूशन अब मिल रहा है ना, इस फेज में आके मिल रहा है, उसी सेम टेस्ट का सोल्यूशन आपको स्टार्टिंग से मिलता रहेगा। तो इससे आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, नए नए तरीके को क्वेश्चन को सॉल्व करने का वे सीखने के लिए मिलेगा। तो इससे आपके अंदर मैथमेटिकल टूल्स बहुत तेजी से डेवलप होगा, ठीक है ना। वो स्किल्स आपके अंदर बहुत तेजी से डेवलप होगा, क्योंकि जितना अभी तक हमने कर रखा है यह चीजें आपके लिए पहले से ही मिलना स्टार्ट होगा। जो चीजें इनको अभी मिल रही है 2024 बैच वालों को, यह चीजें आपको स्टार्टिंग से ही मिलने लगेगा। इस लेवल के क्वेश्चंस आपको स्टार्टिंग से ही मिलने लगेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है कि आप इनसे 2 महीना आगे रहोगे। जैसे यदि मैं 2024 को 2023 वाले से कंपेयर करूं, तो मैं 2023 वाले स्टूडेंट्स के लिए यानी 2022 में इस समय पर मैं टोटल कितना, टोटल 5 या 6 FLT लिया था, 5 या 6 FLT हुआ था। अभी टोटल 20 FLT आज हो गया, फुल एंड टेस्ट 20 हो चुका है, तो समझ सकते हो कितना का इंप्रूवमेंट है। और जो क्वेश्चंस के लेवल का स्टैंडर्ड है वो 10 गुना ज्यादा बेहतर हो गया। तो जो चीजें इनको अभी मिल रही है यही सेम चीजें आपको सितंबर में मिल जाएगी, सितंबर से अक्टूबर में ही खत्म हो जाएगा। तो आपका फिर से नवंबर से नया चीजें स्टार्ट होगी जो उस साल केवल बनेगा, यानी पिछले साल जो इस साल का जो हमारा सेविंग चीजें है जो 2024 वालों के लिए यूज हो रहा है, यह सब कुछ आपको लास्ट सितंबर तक मिल जाएगा या और कंप्लीट भी हो जाएगा। इनको हर एक टेस्ट का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, पिछले साल 2022-23 वालों को मैं नहीं दिया था, लेकिन 2024 वालों को हर एक टेस्ट का सॉल्यूशन भी मिल रहा। तो चूंकि सॉल्यूशन है तो अभी भी है, तो जितना वो टेस्ट है वो टेस्ट का सोल्यूशन भी हो रहा है और टेस्ट का तो लेवल बन ही रहा है। तो ये चीजें आपका सितंबर तक या लास्ट अक्टूबर तक समाप्त हो जाएगा। जितना इनको कंटेंट मिलेगा ना वह सारा कंटेंट अगले साल लास्ट अक्टूबर तक समाप्त हो जाएगा। मैं इसलिए बोल पा रहा हूं इतने कॉन्फिडेंस होकर के या इतने दावे के साथ,
क्योंकि मैंने 2023 के लिए जितना कंटेंट बच्चों को दिया था उनको वो सारा कंटेंट मैंने लास्ट अक्टूबर तक दे दिया। तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको भी आपको सारी चीजें लास्ट अक्टूबर तक एनी हाउ मिल जाएगी, यानी अक्टूबर यानी 1 नवंबर से आपको फ्रेश चीजें मिलना स्टार्ट होगी जो उस साल बनेगा। ये मैं टेस्ट की बात बतला रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिस सेट तो आपको नया मिलता रहेगा फेब्रुवरी से ही ना, आपको प्रैक्टिस सेट नया फेब्रुवरी से ही नया मिलता रहेगा, क्योंकि जितना प्रैक्टिस सेट लेवल 3 तक तो हमारे पास प्रैक्टिस सेट है ही, 2023 वालों को जो मैं दिया था, सॉरी 2024 वालों को जो दिया, आपको 2 लेवल और उठ जाएगा और आपको यह पैरेलल में मिलेगा। और ये मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ कि जो इनका टेस्ट अभी हो रहा है ये सारी चीजें आपका लास्ट अक्टूबर तक समाप्त हो जाएगा, यानी हम इतना आगे रहेंगे अगले साल, इतना कुछ है आपके पास करने के लिए, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी अभी मेरे पास यदि मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो अभी मेरे पास मिनिमम 10K क्वेश्चंस है, तो ऑब्वियस ही बात है कि 10K तो मार्केट में प्रीवियस ईयर भी नहीं है। और ऐसा नहीं कि बुक का क्वेश्चन, बुक तो अलग है, बुक को ऐड कर दूंगा तो 20,000 क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो मैं बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये है, और ऐसे करते करते आपका पूरा सिलेबस लास्ट अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। तो अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा सितंबर एंड पूरा अक्टूबर आपका क्या होगा, नॉन स्टॉप टेस्ट होगा। यहां भी टेस्ट होगा, ड्यूरिंग सिलेबस आपका मैक्सिमम में 10 टेस्ट ही ले पाता, सिलेबस कंप्लीट कराते कराते आपका केवल 10 टॉपिक है तो 10 ही टेस्ट हो पाएगा ना, ज्यादा थोड़े हो पाएगा, तो आपका यहाँ तक टोटल 10 ही टेस्ट हो पाता है। हो सकता है कि इस बार टेस्ट हमारे पास बना बनाया है तो ये 10 से 20 हो जाए, कहोगे ये तो सब यूनिट वाइज, तो भाई इनका मैं फुल लेंथ टेस्ट अभी तक 20 लिया हूं, ठीक है ना, और 20 टेस्ट यूनिट वाइज है और हर एक यूनिट का मिनिमम 2-2 टेस्ट है मेरे पास, हर एक यूनिट का मेरे पास मिनिमम 2-2 टेस्ट है। तो 20 यूनिट देखते होंगे ना, मैं 40 और 20 लगाता, यानी 40 टोटल अभी तक टेस्ट हो गया है। और अब कहोगे सर आपने तो 80 लिख रखा है, वो 80 ही टेस्ट है, ठीक है, कुछ टेस्ट मेरे पास गूगल फॉर्म पर है उसको मैं कंसीडर करके बोलता हूँ, ठीक है ना, और प्लस में PYQ को भी मैं कंसीडर करता हूँ। तो PYQ मेरे पास 14 टेस्ट है प्रीवियस ईयर का, कहोगे कि सर ये तो 2015 से 23 तक का ही है, नहीं 2005 से 14 तक के क्वेश्चंस को मैंने ऑब्जेक्टिव में बदल करके फुल लेंथ टेस्ट बना दिया है, तो टोटल 14 वो टेस्ट है और गूगल फॉर्म पर मेरे पास करीब 20 के आसपास टेस्ट है। और ये कहोगे कि अभी भी सर 80 नहीं हुआ, 80 हो रहा है, देखो कैसे, हर एक गूगल फॉर्म का जो टेस्ट है उसमें ऑन एवरेज 120 क्वेश्चन है, या 100 ही मान लो ऑन एवरेज, ये मैं कम बोल रहा हूँ, वो तो मिनिमम है 100, ऑन एवरेज 120 क्वेश्चन है हर एक गूगल फॉर्म में, तो कितना हो गया, एक गूगल फॉर्म में कितना हो गया टेस्ट, 60 क्वेश्चंस के हिसाब से 2 हो गया तो कितना हो गया, 40 टेस्ट हो गया, नहीं और 14 PYQ हो गया, तो ये कितना हो गया 56, मैं अभी तक 40 टेस्ट ले चुका हूं, कितना हो गया 96, अभी इनका करीब 15 टेस्ट होने वाला, 14 टेस्ट होने वाला, कितना हो गया 104। तो मैं जो प्रोमिस करता हूं उसको करता हूं, ऐसा नहीं कि मैं 100 बोला हूं इनको 80 बोला हूं और कितना हुआ है, इतना हुआ है, ठीक है ना। तो ये है, तो और जो भी टेस्ट हो आपका, जो भी टेस्ट आपका, जो भी टेस्ट होगा सेम जैम की तरह सॉफ्टवेयर पर होगा, कैलकुलेटर वगैरह सब कुछ रहेगा, सब कुछ रहेगा, जो भी प्रैक्टिस सेट मिलेगा उसमें सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे। तो इतना हमारे पास कंटेंट है आपको देने के, जिसको आप यूज करके आप अपना जैम में IIT में एक सीट 100% कंफर्म कर सकते हैं, 100% आप एक सीट कंफर्म कर सकते हैं। कोई मेरा कंटेंट ले भी लेगा ना, कॉपी पेस्ट कर देगा, क्योंकि ऑनलाइन है तो आजकल कॉपी पेस्ट करना आसान है, ठीक है ना,
कोई ज्वाइन करके पूरा ले लेगा, हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना उस केस में, यानी। लेकिन ये चीज है कि आप किसी दूसरे का मेहनत का ज्यादा दिन तक नहीं खा सकते हैं, क्योंकि नहीं होता है कि आप एक क्वेश्चन खुद बना रहे हो तो आप चीजों को ज्यादा सीख रहे हो, बच्चों के सामने ज्यादा एक्सप्लेनेशन दोगे और उसको ओपन करके अच्छे से दिखलाओगे, उसके साथ चार और नई चीजें बतलाओगे। जो कॉपी पेस्ट करेगा वो केवल क्वेश्चन ही चुरा रहा है ना, तो क्वेश्चन तो बुक में भी है, तो जब वो उसको उससे कुछ खास नहीं कर पाएगा तो यहां से कैसे खास कर पाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चंस ले लेगा तो काफी कुछ ले लिया, वो केवल शरीर लेकर के गया है, आत्मा लेकर के नहीं गया है, ठीक है ना। तो ये है, और आपका जो जैन का पहला टॉपिक स्टार्ट होगा वो डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट होगा, और स्टैटिस्टिक्स में जो पहला टॉपिक स्टार्ट होगा वो बेसिक प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है ना। तो टॉपिक यदि मैं बात करूं तो पहले डिफरेंशियल कैलकुलस होता है मैथमेटिक्स में, और स्टैटिस्टिक्स में बेसिक प्रोबेबिलिटी होता है। यदि मैं दूसरे टॉपिक की बात करूं तो दूसरा टॉपिक इंटीग्रल कैलकुलस होता है, और इसमें दूसरा टॉपिक आपका रैंडम वेरिएबल होता है, यूनिवेरिएट कह लो या रैंडम वेरिएबल, जो भी कह लो, यूनिवेरिएट या रैंडम वेरिएबल, और प्लस स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन इसमें अटैच, ठीक है ना। इसमें तीसरा टॉपिक आपका, इसमें तीसरा टॉपिक आपका सीक्वेंस एंड सीरीज होता है, सीक्वेंस एंड सीरीज होता है। इसमें तीसरा टॉपिक आपका बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल होता है, बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल होता है, ठीक है ना, बाइवेरिएट या बाइवेरिएट करो सिंपल, ठीक है। इसमें चौथा टॉपिक आपका एले होता है, लीनियर अलजेब्रा, और इसमें चौथा टॉपिक, ये सब पैरेलल नहीं चलता, ठीक है ना, पैरेलल नहीं चलता। इसका चौथा टॉपिक वही सैंपलिंग मल्टीनोमियल कन्वर्जेंस होता है, सब एक ही में आता है, एक बार स्टार्ट होगा तो वो छोटा 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 टॉपिक है, केवल सैंपलिंग टाइम लेता है 2 से 3 क्लास का, ठीक है ना। बाकी अच्छा खासा समय यहाँ लगता है और यहाँ लगता है, ये बड़े टॉपिक्स है, और एक इन्फ्रेंस लगता है, ठीक है ना। बाकी बीच में छोटा छोटा टॉपिक है, तो वो सब हो जाता है, मल्टीवेरिएट कह लो या मल्टीनोमियल कह लो, ठीक है ना। फिर सेंट्रल लिमिट थ्योरम कह लो या कन्वर्जेंस कह लो या सैंपलिंग एंड सैंपलिंग कह लो, ये तीनों एक साथ में हो जाए, यानी जितना समय इसमें लगेगा ना बेसिक प्रोबेबिलिटी में, उतना समय इन तीनों के टॉपिक में लगता है, ठीक है ना। क्योंकि आप इधर से सीखते आ रहे हो ना, इसलिए इसमें इन सबका यहाँ हेल्प मिलता है, यहाँ जो कुछ आप सीखते आ रहे हो ना तो यहाँ पर हेल्प मिलता है ना, तो आप चीजों को जल्दी समझ जाओगे। गाड़ी को ट्रैक पर चढ़ाने में मेहनत लगता है ना, जब गाड़ी ट्रैक पर चढ़ गई तब उसको कितना भी स्पीड करो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं तो मैं स्पीड नहीं पढ़ाऊंगा, हर एक टॉपिक को एक समान स्पीड में पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि ये आया चलो हवा में उड़ा दे, ऐसा नहीं, हर एक टॉपिक एक समान चलेगा, चाहे कोई भी टॉपिक हो, ठीक है। इसका लास्ट टॉपिक एक में यही पर होता है मल्टीवेरिएबल कैलकुलस, लेकिन मैं इसको अलग करा के कराता हूँ, मल्टीवेरिएबल डिफरेंशियल कैलकुलस। इस बार देखता हूँ शायद इसके साथ ही पढ़ा देखता हूँ, विचार है इस बार पढ़ाने का, ठीक है ना, क्योंकि इसमें मात्र 2 क्लास लगता है और 2 क्लास के लिए बच्चों को इंतजार करना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी जरूरत ना, क्योंकि ये जब तक होगा ना तब तक आपका इन्फ्लुएंस स्टार्ट हो जाता है, और इसकी जरूरत थोड़ा इन्फ्लुएंस में पड़ती है, ठीक है ना, इसकी जरूरत थोड़ा, वो भी कहां पर, जब एमिली वगैरह पढ़ते हैं ना वहां पर इन्फ्लुएंस। और इसका लास्ट टॉपिक होगा टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्ट। तो ये आपका मैथ कंप्लीट हो गया, ये आपका स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो गया। अब सॉरी, तो लोड बढ़ेगा, नहीं लोड नहीं बढ़ता, हर एक चीज का हमारे पास एक प्लान हो, ठीक है ना। जो भी आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, जैसा आज कोई टॉपिक कंप्लीट हो गया सपोज दैट, तो नया टॉपिक अगले सप्ताह स्टार्ट होगा, यानी आपको एक सप्ताह का गैप मिलेगा हर एक एक टॉपिक में, और यह केवल लक्ष्य 1.0 बैच में ही मिलता है, क्योंकि आप समय से पहले आए हो ना, इसलिए जो बाद में आते हैं उनको उनको लिए तो टाइम नहीं मिलता, उनका लगातार चलता है, बीच में कोई गैपिंग नहीं होती, क्योंकि वो लेट आया ना तो उसको भरपाई भी करना होगा उन्हीं को, तो उसमें कोई गैप नहीं दिया जाता, लेकिन आपको अच्छा खासा गैप दिया जाएगा। जैसे आज टॉपिक कंप्लीट हुआ तो दूसरा टॉपिक 7 दिन के बाद नया टॉपिक स्टार्ट होगा, लेकिन इसका मतलब है नहीं कि बीच में क्लासेस बंद रहती है,
क्लासेज होगी, जैसे टेस्ट होगा, डिस्कशन होगा, या आपके डाउट का डिस्कशन होगा, या मैं अपने मन से क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है ना। इतनी सारी चीजें होती है, लेकिन मैं प्रीवियस ईयर एक भी नहीं कराऊंगा। मैं पहले क्लियर कर देता हूं, ये प्रीवियस ईयर आपके लिए है, तो ही ना आप मुझे जज कर पाइएगा या अपने आप को जज कर पाइएगा कि हमने चलो यूनिवर्सिटी पूरा पढ़ लिया, मेरा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो ये जी मैं 2015 का एग्जाम दे रहा होता इतना पढ़ करके, तो मेरा कितना मार्क्स आता केवल एक टॉपिक में, जैसे 20 मार्क्स का पूछा है, 15 मार्क्स का पूछा है। तो उस समय जब आप 2015 में रहते और इतना कुछ पढ़ के आप एग्जाम दिए रहते, तो उस 15 मार्क्स में आप कितने मार्क्स लाने की काबिलियत रखते थे। तो यह खुद से जब अप्लाई कीजिए खुद पर, तो ना मानेंगे कि हाँ हमने आपको बेहतर पढ़ाया या आपकी बेहतर प्रिपरेशन कराया। 15 में से आप क्वेश्चंस, मान लो कि 10 क्वेश्चन और 10 में से 8 क्वेश्चन खुद से कर ले रहे हो बिना मेरे कराए, तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। क्या या आप इस बात से खुश होंगे कि मैं 10 में से 8 पहले ही करा दिया, तो इससे आप अपने आप को कैसे जज कर पाइएगा। IIT का क्वेश्चन से बना बनाया है, तो हम इस तरीके से पढ़ाए ना कि आपसे IIT के क्वेश्चन खुद से हो। ऐसा नहीं कि मैं डिस्कस नहीं कराऊंगा, डिस्कस कराऊंगा, लेकिन उचित समय आने पर जब आप अपनी पूरी कोशिश करके थक चुके रहोगे, तब जाकर के वो सारी चीजें डिस्कस कराई जाएगी। तब तक आप खुद से प्रयास करते रहो। यदि आप उस किले को खुद से तोड़ दिए, समझो कि आप IIT के अंदर प्रवेश कर गए, तो उस किले को खुद से तोड़ना, ठीक है ना। मैं तो तोड़ ही दूंगा, जब वही चीजें करा रहा हूं तो मेरे लिए तो तोड़ना आसान है ना, लेकिन मेरे तोड़ने से क्या आप IIT के अंदर चले जाओगे? नहीं जाओगे ना। जब तक आप उस किले, यानी जो किले को तोड़ेगा वही IIT में प्रवेश करेगा ना, जो गेट को तोड़ेगा वही IIT के अंदर प्रवेश करेगा। अब गेट को मैं तोड़ूंगा तो मैं IIT में जाऊंगा ना, तो मुझे थोड़े IIT में जाना है यार। मैं दो दो बार IIT में जाकर के आ चुका हूँ, अब कितने बार जाऊंगा, नहीं है। तो IIT में आपको पहुंचाना है, इसलिए गेट आपसे तोड़वाना है कि आप उस गेट को खुद तोड़ो, ताकि आप IIT के अंदर प्रवेश करो, ना कि मैं प्रवेश करूं। हाँ, यदि उसमें कहीं हेल्प की जरूरत पड़ेगी तोड़ने में, तो मैं जरूर मदद करूंगा, जरूर हेल्प करूंगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें है, और ये करते करते हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, और जैसे और साथ में टेस्ट भी होता है, ठीक है ना, टेस्ट भी इंक्लूडेड है। इसके ड्यूरिंग मिनिमम आपका मुझे लग रहा है ना कि 15 टेस्ट इस साल हो जाएगा, क्योंकि हमें बनाना नहीं है, सब बना बनाया, बस केवल खाना है, नहीं होता है, बस केवल खाना है। हाँ, जो आपके लिए नया यूनिट वाइज टेस्ट बनेगा इस समय पर, जब सिलेबस समाप्त हो जाएगा, कब? सितंबर एंड अक्टूबर के मंथ में जो आपके लिए टेस्ट बनेगा यूनिट वाइज टेस्ट, उसका लेवल इससे एक लेवल ऊपर रहेगा, यानी उसका जो लेवल होगा ना इससे एक ऊपर ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। जो यहां पर 2024 में जो हम नया टेस्ट बनाएंगे यूनिट, तो आपके लिए भी मिनिमम 10 तो बनेगा ही बनेगा ना, नया तो मिनिमम 10 टॉपिक, 12 टॉपिक है तो 10 12 तो बनेगा ही बनेगा, तो आपके लिए 12 टेस्ट नया यहाँ पर बन जाएगा। और पहले से हमारे पास अभी 20 यूनिट वाइज टेस्ट रिजर्व है। सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, गूगल फॉर्म पर तो भरा पड़ा है, 40 के आसपास है, मैं जुड़वाया ना 40 के आसपास है गूगल फॉर्म पर। सॉफ्टवेयर पर इतना है, जिसको जिसमें हर एक टेस्ट में 60 क्वेश्चन है, वो भी जैंक फॉर्मेट में, MCQ, MSQ और NET टाइप में, ठीक है ना। और हर एक का सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको, तो ये, और ये टेस्ट का होगा। और ऐसा नहीं कि सिलेबस समाप्त हो गया तो क्लासेस, मेरे यहाँ कभी क्लास बंद नहीं होती, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। और अब बाद में मत पूछना कि सर क्रैश कोर्स के लिए अलग से पैसा देना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज के लिए अलग से, देने का मन होगा तो दे देना, ठीक है ना। देने का मन होगा तो पूछना नहीं है, दे देना है, ठीक है ना, दे देना है। अरे भाई, इसी फीस में सब कुछ इंक्लूडेड है। जब आप एक बार आ गए हो ना, तो जब तक CVT का एग्जाम नहीं हो जाता, CVT 2025 का एग्जाम नहीं हो जाता,
तब तक हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, हर एक चीज की मेरी और सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको किसी भी चीज के लिए एक भी परसेंट एक्स्ट्रा पे नहीं करना किसी भी चीज के लिए। हाँ, जो बाद में आएंगे वो आपका खर्चा चलाएंगे, ये मैं बोल सकता हूं, क्योंकि अभी मैं जो आपका फीस लिया हूं मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो भी डिसाइड हुआ है वो अभी प्रेजेंट टाइम के खर्चे के अकॉर्डिंग लिया गया है। जो बाद में आएंगे तो ये सारी फैसिलिटीज ऐड होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये जो मैं जो भी बतलाया था ना लेवल वन लेवल टू, अभी ये ऐड नहीं हुआ है ना, तभी मैं आपसे पैसा क्यों लूं इसका। लेकिन जैसे वो आएगी ये चीजें ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ऐड होगा उनका फीस 25 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आने वाला खर्चा आपका ही चलाता है। जैसे पिछले बार जो जनवरी में आए थे, जनवरी वाले बच्चों का फीस कम लगा था 15 के आसपास, और जो जून में आए थे 20,000 फीस दिए थे, ठीक है ना, 20,000 दिए थे, तो उनसे इनका खर्चा चल रहा है। खैर वो बात की बात है। तो फिर इसके बाद आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, फुल लेंथ टेस्ट। ये यूनिट वाइज है ना, अब आपका स्टार्ट होगा फुल लेंथ टेस्ट। ये अक्टूबर में ही स्टार्ट हो जाएगा, 1 अक्टूबर से आपका फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, सितंबर में, ठीक है, तो आपका फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फुल लेंथ टेस्ट जो अभी हमारे पास 20 है और 10 और होगा, ठीक है ना, 10 या 14 होगा, 14 होने की उम्मीद है, तो 14 ले लो, तो टोटल 34 FLT हमारे पास हो जाएगा। तो ये आपका टोटल 30 FLT लास्ट नवंबर तक, नवंबर लग जाएगा, ठीक है ना, लास्ट नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। अब उस वक्त लेवल तो जाते जाते लास्ट नवंबर आ ही गया ना, नहीं, चूंकि हम क्वेश्चंस बना रहे हैं ना, तो हमें सारे कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं, तो सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाने के साथ ही डिस्कस हो जाएगा। जो चीजें हमें अभी मिल रही है जब हम क्वेश्चंस बनाने के लिए जाते हैं ना, बना रहे हैं, तो एक से एक नई नई चीजें मिल रही है। इसलिए बोला ना कि कोई क्वेश्चंस कॉपी कर सकता है, वो सीखा हुआ मेरा मेहनत कोई थोड़े कॉपी कर सकता है, यह तो इम्पॉसिबल है ना। तो जो कुछ मैं सीखा हूं वो यहीं पर सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाएगी। तो जब आप इस टेस्ट को देने के लिए आओगे ना, तो इसका धुआं धुआं उड़ा दोगे। नहीं, गैंग्स ऑफ वासेपुरी में बोलता है, सारे इलाके में ऐसा बम फोड़ूंगा कि सारा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। नहीं, तो वही आप यहां पर धुआं धुआं उड़ा दोगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपका लेवल यहीं पर मेंटेन हो जाएगा। हर एक क्वेश्चंस का, हर एक कॉन्सेप्ट का डिस्क्राइब यहां पर हो जाएगा, प्रैक्टिकल यहां पर हो जाएगा, क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस यहां पर हो जाएगा। तो यह आपके लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा। लेकिन जो दिसंबर में आपका नया टेस्ट बनेगा वो आपके लिए चैलेंजिंग होगा, क्योंकि वो नया होगा, हम अब एक लेवल ऊपर उठ गए। नहीं होता, लेवल उठता ही जाता है ना, 10 से 11, 11 से 12, 12 से BSc, BA, हर एक जब पढ़ रहे हो तो लेवल तो उठेगा ही ना। तो ऐसे करते हुए आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरे साल की स्टोरी, और इसी तरह से चलेगा। अब बीच में रिवीजन भी होगा, जैसे इनका भी रिवीजन भी हो रहा है, ठीक है ना, इनका रिवीजन भी हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि केवल टेस्ट का ही डिस्कशन होता है, इसके बीच में कई सारे मैसेज आती है सौर्या के नाम से, क्या करे बच्चे बुलाने के लिए सब करना पड़ता है, ठीक है ना, तो अलग अलग नाम से निकालना पड़ता है। आप उस चीजों को समझ रहे हो, तो उससे डाइवर्ट आपको नहीं होना है। समझो कि नया बैच आया है, तो वह नया बैच नहीं है, आप ही का बैच है, ठीक है ना। कोई नया टॉपिक का स्टार्ट होगा तो नया बैच बोल देते हैं, ठीक है ना, तो उस टाइप से ऐसा हर कोई करता है। और मैं तो क्लियरली बोल भी देता हूँ, जैसे बच्चा कॉल करता है ना तो मैं बोल भी देता हूँ, कई जगह तो बोलते भी नहीं है, पैसा लेकर के कहेंगे कि वो गया तो वो कुछ और। भाई पहले बच्चों को क्लियर कर दो, मन होगा तो आएगा, नहीं मन होगा तो नहीं आएगा, चीटिंग करने से क्या फायदा। तो जब हम अभी चीट कर रहे हैं तो आगे भी तो करने का चांसेस ज्यादा है। तो ये सारी चीजें, तो इसमें कई तरह का लक्ष्य 2.0 आएगा, उसका भी आपके पास एक्सेस रहेगा। सौर्या बैच आएगा, वो रिवीजन क्लासेज होती है, सिलेबस समाप्त होने के बाद वो स्टार्ट होता है, उसका भी आपको एक्सेस मिलेगा। मिशन 80 जो टेस्ट सीरीज के नाम से होता है, उसका भी आपके पास एक्सेस रहेगा। यानी हर एक चीज का एक्सेस आपके पास रहेगा इसी फीस में। आपको एक भी रुपया कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। जब आप यहां पर आ गए हो तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सब मेरी हो, यानी हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आपको किसी भी चीज के रत्ती भर चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आपको कुछ करना है
तो पढ़ाई करना है, चिंता करना है तो इस बात से करना है कि आज आपने कम मेहनत किया, आज आपने वहां टाइम बर्बाद कर दिया। इस बात से आपको चिंतित होने की जरूरत है, इस बात से चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि यह कंसेप्ट नहीं मिला, इस कंसेप्ट पर क्वेश्चंस नहीं मिला, इस बात को आपको तनिक भी चिंता नहीं होगी, क्योंकि जब जैसे आप सोचोगे वो चीज आपके पास पहले से अवेलेबल रहेगी, बस आपको जरूरत होगी केवल मेहनत करने की। तो ये था सारा कुछ कराने का, जितना कुछ मैं साल भर में आपको कराऊंगा, ठीक है। अब थोड़ा बात आ जाता है आपके, ठीक है। देखिए पढ़ाई तो है ही, ठीक है ना, एग्जाम का कई फेज होता है, ठीक है ना। एग्जाम कैसे निकलता है, यानी एग्जाम का प्रिपरेशन, एग्जाम का प्रिपरेशन। ये कई फेज में होता है और इसके लिए एग्जाम क्रैक करने के लिए ना, यानी एग्जाम क्रैक करें, यानी क्रैक करने के लिए ना कई सारे फैक्टर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल पढ़ लोगे और आपका एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। यदि ऐसा होता तो मैं आपकी जानकारी के लिए बतला दूं कि हर एक साल 3000 बच्चे आईआईटी जैम एमएस का पेपर देने के लिए एग्जाम देते हैं, यानी एग्जाम में बैठते हैं हर एक साल। मैं पिछले साल की डेटा बतला रहा हूं, या ऑन एवरेज में डेटा बतला देता हूं अब तक का। इनमें से केवल 200 ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 25 से ज्यादा मार्क्स लाते हैं, ऑन एवरेज की बात करें। इस बार केवल 200 बच्चे 19 से ज्यादा मार्क्स लाए। तो क्या आप यह बात मानने के लिए तैयार हो कि इस 3000 बच्चे में 500 बच्चे ने जी तोड़ मेहनत नहीं किया होगा, जी तोड़ पढ़ाई नहीं किया होगा, उनका एक एक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, फिर भी मात्र 200 बच्चे 25 मार्क्स ला रहे हैं? तो आप इससे समझ सकते हो कि एग्जाम क्रैक केवल पढ़ाई करने से नहीं होती है, पढ़ाई करने के साथ साथ कई सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाता है। जैसे मैं आपको और एग्जाम्पल दे दूं कि 100 मीटर तो सबको दौड़ने आता है ना जी, आप भी 100 मीटर दौड़ लोगे, मैं भी दौड़ लूंगा, लेकिन बोल्ट उस 100 मीटर को दौड़ने के लिए साल भर दौड़ता, ताकि वो उस 100 मीटर को सबसे तेज दौड़ सके। तो आपका भी एग्जाम 3 आवर्स का ही है, तो पढ़ने के लिए तो सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको उस तरीके से पढ़ना है, उस स्ट्रैटेजी से आपको पढ़ाई करनी है कि आप उस 3 आवर्स को बेहतर बना सको। इसलिए आपको उस तरीके से आपको पढ़ाई करनी, केवल पढ़ने से नहीं। आपको यह माइंड में हमेशा रखना होगा कि आपको 3 आवर्स को बेहतर बनाना है। आपके पास ज्यादा समय नहीं है, मात्र 3 आवर्स, उसमें अपने आप को बेस्ट प्रूफ करना है। तो उसके कई प्रोसेस होते हैं, जैसे बोल्ट साल भर दौड़ करके क्या चेक कर रहा, अपने मिस्टेक्स को चेक कर रहा, या देख रहा है कि मैं कैसे दौड़ूंगा कि सबसे फास्ट 100 मीटर में पूरा कर लूंगा, वो टेस्ट कर रहा है अपने आप को। तो ऐसे ही आपको टेस्ट करना पड़ेगा। तो पहले उसके प्रोसेस होता है ना, पहले तो दौड़ना चलना सीखोगे ना, तो इसमें कई फेज होते हैं। एक होता है लर्निंग का फेज, लर्निंग का, ठीक है ना। यानी हम पहले चीजों को सीखेंगे ना, पहले होता क्या, पहले चलना तो सीख ले, दौड़ने की बात बाद में आएगी ना। तो लर्निंग का फेज कहने का मतलब कि ये सब लर्निंग का ही फेज है, जो आप अभी कर रहे हो
ये सब लर्निंग का फेज है, अभी हम यहाँ पर सीख रहे हैं, यानी हमारा लास्ट अगस्त तक केवल काम सीखने का होगा, हम चीजों को केवल सीख पाएंगे अच्छे से। जब हम अच्छे से सब कुछ सीख लेंगे तो अब आएगा एग्जाम प्रिपरेशन, एग्जाम प्रिपरेशन अब स्टार्ट होगा, इसका प्रिपरेशन आपका क्या होगा, इसका अब स्टार्ट होगा एग्जाम का प्रिपरेशन, एग्जाम का प्रिपरेशन आपका अब स्टार्ट होगा। अब इसमें हम सब कुछ ध्यान में रखेंगे कि हमें 3 आवर्स को बेहतर कैसे बनाना है, आपका टेस्ट होगा वहां से जज करोगे, आपको उसके लिए गाइड किया जाएगा कि जो कुछ आप सीखे हो आप उस 3 आवर्स के लिमिटेड टाइम में कैसे बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करके आओगे। ऐसा नहीं कि आप सीख लिए तो कर ही लोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आप जब टेस्ट होगे तो इसका अनुभूति, यानी जब इसका अनुभव आपको और अच्छे से होगा, जब आप टेस्ट दोगे ना तब आपको रियलाइज होगा कि मैं जानता था फिर भी वहां नहीं कर पाया, तब उस डिफरेंस को आप देख पाइएगा। और यह कैसे होगा, ये चीजें इसके साथ ही पैरेलल रखना होगा, वो कैसे पैरेलल रखा जाएगा इसके लिए हम आपको बाद में बतलाएंगे, या अभी ही बतला देता हूं कि जो कुछ आज आप सीख रहे हो उसको हमेशा सोचो आगे आने वाले टाइम में कि आपने पिछले टाइम में क्या सीखा था। जैसे आज आपने आप पढ़ लिया, 4 दिन के बाद सोचो कि मैंने संडे को क्या पढ़ा था, सर ने संडे को क्या बतलाया था, सर ने उस पॉइंट पर क्या ऐसा नया चीज बोला था जो मैं पहली बार सीखा था, या वो क्या चीज था जो मैं पहले से गलत जान रहा था अब मैंने सही जाना, जो मैं बोर्ड पर पॉइंट बोल रहा हूँ केवल आप उसको अच्छे से रिकॉल कर लो, कॉपी में नहीं, कॉपी में तो सारा बुक मान सब कुछ तो बुक में है, बुक ही पढ़ लो, कॉपी में लाने से नहीं होगा, दिमाग में होना चाहिए। दिमाग में कैसे रहेगा, ऐसे आपको हमेशा सोचना होगा, यानी जिसको मैं बार बार कहूंगा कि कंसेप्ट को रिकॉल करो, ठीक है ना। तो ये मैं क्वेश्चन जब पढ़ाऊंगा ना तो उसके साथ में अच्छे से कनेक्ट कर पाऊंगा जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो बस आपको ऐसे ही कि हर पीछे वाली चीजों को सोचो कि आपने क्या क्या नया सीखा था, ताकि उस चीजों को भूलो ना, वो मेमोरी में रहे, ठीक है। इसके बाद आपकी आती है ऑनेस्टी, यदि यह सब कुछ कर रहा है, हर कोई लड़का कर रहा है, 3000 में से मान लो कि 1000 बच्चा केवल लर्निंग किया, अच्छे से सीखा, लेकिन एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं करता है, 1000 बच्चा नहीं करता है, ठीक है ना, वो सीख लिया मैं मानता हूं, लेकिन इसका मतलब वो नहीं कि वो 3 घंटे में बेहतर कर जाएगा। जैसे 100 मीटर हर किसी को दौड़ने आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई 9 सेकेंड में 100 मीटर दौड़ जाएगा, ऐसा नहीं है ना कि हर कोई 8 सेकेंड में 100 मीटर दौड़ जाएगा, ऐसा नहीं है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करनी पड़ती है, तपस्या करना पड़ता है। तो पढ़ाई एक तरह का क्या है, तपस्या है, तप है, जितना तपोगे कंसेप्ट आपका उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो अपने आप को यहां कंसेप्ट में क्या करना है, तपाना है, तो तपाने का सिलसिला अब जारी होगा। तो इसमें से मान लो कि 500 बच्चे ने एग्जाम का प्रिपरेशन भी कर रहे, 500 में अब एग्जाम का प्रिपरेशन भी कर रहे, इतना अच्छे से सब कुछ सीख गए, लेकिन इनमें से केवल 500 ही ऐसे स्टूडेंट्स है जो कि एग्जाम का प्रिपरेशन, यानी इस 3 आवर्स को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 100 सीट कितना है टोटल, IIT NIT की मैं बात कर दूं तो टोटल 140 सीट, आने वाले समय में बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, ठीक है ना, मैं MS की बात कर रहा हूं, लेकिन उतना ही बच्चों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अब यहां से कौन सी चीजें फिल्टर करेगी, कहोगे कि लक नहीं, लक कहोगे, लक मैंने क्या मैं बोलूं, मान भी सकते हो नहीं भी मान सकते हो, ठीक है, लेकिन हम लक के भरोसे नहीं रह सकते है ना, हम लक के भरोसे नहीं रह सकते। ऑनेस्टी, ये भी एग्जाम में अहम रोल प्ले करता है, माने ऑनेस्टी का मतलब कि वैसा जो आपके साथ ऑनेस्ट है, आप एटलीस्ट उसके साथ ऑनेस्ट रहो, चीट मत करो किसी, लाइफ में सब कुछ करो, शरारत कर लो, ठीक है ना, कुछ भी कर लो, चीट किसी को मत करो, चीट करोगे ना तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे। सारा कुछ में ज्ञान दे ही दूं लेकिन आप किसी में चूक जाओ, चीटिंग
नहीं करना चाहिए आपको बाद में पता चले, तब समय निकल चुका रहेगा ना, क्योंकि यह गलतियां मेरे अंदर कभी हुआ करती थी जब मैं जेई एडवांस की तैयारी किया था। मेरी प्रिपरेशन इतनी तगड़ी थी कि एग्जाम के जस्ट बाद में एक एक क्वेश्चन, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसको मैं सॉल्व न करके आंसर ना लाया। हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आंसर लाया, फिर भी मैं IIT में नहीं जा पाया बीटेक करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल किया। शायद इस चीज की कमी रह गई मेरे अंदर, शायद इस चीज की मेरे अंदर कमी रह गई, ऑनेस्टी की कमी रह गई। कोई बतलाने वाला नहीं था, चीटिंग नहीं करना चाहिए ये कोई बतलाने वाला नहीं था। वैसे खुद को गिल्टी फील कब हुआ? जब सारी चीजें हाथ से निकल गई, तब इसके बाद मैंने इन सब इंप्रूवमेंट पर काम किया, ठीक है ना? क्योंकि ये मेरे पास तो आ गया था प्लस टू में, और मुझे इंप्रूवमेंट इस पर केवल काम करना था, तो मैं केवल इसी पर काम किया, वर्क किया, ऑनेस्टी पर काम किया कि मुझे ऑनेस्ट रहने की कोशिश करना है, क्रोध को बिल्कुल कंट्रोल रखना है, किसी की बुराई या चुगलीबाजी नहीं करनी है। क्या फायदा ये करके, क्या आप इससे क्या कर रहे हो, समझ रहे हो क्या नुकसान होता है? मैं बतलाता हूं, जिस समय पर आप किसी की चुगली कर रहे होते हो, किसी के बारे में बुराई कर रहे होते हो अननेसेसरी, जबकि बुराइयां सबके अंदर है। ऐसा नहीं है कि आप दूध के धूले हो, ऐसा है कि मैं दूध का धूला हूं। हर किसी में बुराइयां है, वो आपके अंदर बुराइयां देख रहा है, आप उसके अंदर देख रहे हो, तो इससे क्या हासिल कर रहे हो? बस एक ही चीज हासिल कर रहे हो, अपने समय को बर्बाद कर। उस समय पर आप किसी कंसेप्ट के बारे में सोचो। मैंने अपने आप को मनाया कि जिस समय पर मैं किसी की बुराई सोच रहा होता हूं, या किसी को चीट करने के लिए सोच रहा हूं, उस समय पर मैं चार कंसेप्ट सोच लू ना, मेरा भला हो जाएगा, वो एग्जाम में टकरा जाएगा। क्योंकि केवल पढ़ने से तो नहीं टकराएगा, ये तो आप टेस्ट देने से आपको पता चल जाएगा, ये बतलाने की जरूरत नहीं, ये चीज आपको खुद पे खुद पता चल जाएगी। कुछ चीजें होती है जो आप बिना कहे ही समझ जाओगे, तो वो टेस्ट आएगा तो आप समझ जाओगे, लेकिन ये चीजें तो बतलानी पड़ेगी कि जिस समय पर आपको कंसेप्ट सोचना चाहिए था, उस समय पर आप किसी की बुराइयां करने में संलिप्त थे, जिस समय पर आपने आपको कंसेप्ट को बेहतर करने की जरूरत थी, उस समय पर आप किसी को चीट करने के बारे में सोच रहे थे, किसी को गिराने के बारे में सोच रहे थे, किसी की टांग खींचने के बारे में सोच रहे थे, तो इससे आपका लॉस हो रहा है इनडायरेक्टली, और वो आपको पता नहीं चल रहा है। वो चीजें एग्जामिनेशन हॉल में पता चलता है, जब वो चीजें आपके हाथ से निकल जाती है तब आपको पछतावा होता है। तो एक कहावत है, अब का हुई पछताई जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी जब चिड़िया पूरा का पूरा बीज को ही चूक करके ले गए, तो अब पछता करके क्या होगा? जैसे खेत में बीज डालते हैं और उस बीज को सारा चिड़िया खा जाए, तो फसल होगी, तो पछता करके क्या होगा? तो उस समय पछताने से कुछ नहीं हो, आपको वापस बीज रोपना पड़ेगा। और अब इस बात का ध्यान देना होगा कि बीज को थोड़ा मिट्टी के अंदर डाला जाए, या पहले ही सोच लेते तो वो नौबत नहीं आते। तो सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन यदि आप इसमें चूक गए, मैं ये नहीं कहता कि हर कोई ऑनेस्ट होता है या मैं ऑनेस्ट हूं, लेकिन मैं बनने की कोशिश करता हूं, मैं उनके सामने ऑनेस्ट रहता हूं जिनके सामने मुझे रहना चाहिए, जैसे मैं आपके प्रति पूरा ऑनेस्ट रहूंगा, 100% रहूंगा, 100% रहूंगा, 1%। हाँ, बाय चांस कहीं गलती से हो गया, गलती दो तरीके से होती है, एक जानबूझ करके, एक गलती से गलती हो जाना अनजाने में। तो जो अनजाने में गलती होती है, आप भी कहीं हर धर्म की वो ये बात है ना, कि केवल हिंदू धर्म, हर एक धर्म है वो क्षमा के पात्र होता है, लेकिन जो गलती जानबूझ करके की जाती है वो गलती क्षमा के पात्र नहीं होता है। तो गलती होगा तो अनजाने में होगा, जानबूझकर के मैं कभी नहीं करूंगा।
कभी हो भी जाता है। तो आपको भी जरूरत है ऑनेस्ट रहने की। ऑनेस्ट नहीं रहिएगा तो नहीं आगे ग्रो कर पाइएगा। पढ़ना और सक्सेस होना दोनों डिफरेंट पॉवर है, क्योंकि हर एक फैक्टर काम कर रहा है ना। पढ़ने के लिए तो 500 बच्चे ये दोनों कर रहे हैं, लेकिन वो क्या अलग है जो आपको उस इन 500 में से फिल्टर करेगा। कुछ आपके पास अलग क्वालिटी होनी चाहिए ना। तो अलग क्वालिटी कहां से आएगी, अब इसकी क्या जरूरत पड़ेगी। तो एक तो आपको फायदा बतला दिया, कंसेप्ट उस समय पर सोचेगा। दूसरा फायदा, दिमाग में निगेटिविटी आएगा ही नहीं होता है कि जैसे आपने रेसिस्टेंट पढ़ा है, करंट, जब करंट फ्लो करता है तो बीच में रेसिस्टेंट लगता है, वो रेसिस्टेंट ना हो तो करंट 100% फ्लो कर जाएगा। वैसे ही जब आप अपने मन में बुराइयां रखोगे, चीटिंग के बारे में सोचोगे, ऑनेस्ट नहीं रहोगे, तो वो चीजें डिस्टर्ब करती है यार, वो डिस्टर्ब करती है। मैं प्रैक्टिकल किया, वो डिस्टर्ब करती है। तो वो क्या कर रहा है कि वो कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग तक पहुंचने में बाधा क्रिएट करता है। वो आप कॉन्सेप्ट्स को दिमाग तक पहुंचने ही नहीं दे रहा, आपके फोकस को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा है। और आप किसी पॉइंट पर 100% फोकस हो जाओ, देखो वो चीज आपको कैसे नहीं समझ में आता है। मैं भी देखता हूं, समझ में आना ही आना है ना, का सवाल ही नहीं। तो कोशिश करना कि ऑनेस्ट बनो, चीटिंग मत करो, इंटेंशन साफ रखो। बुराइयां आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, हर एक किसी के अंदर। तो यदि किसी के अंदर बुराइयां तो आप उसको सीखो ना कि हाँ हमें यह बुराइयां नहीं करनी चाहिए, वो भी आपको सिखा ही रहा है। लेकिन चुगली करके क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। वो आप अपना लॉस कर रहे हो, अपने समय का लॉस कर रहे हो, आप अपने कंसेप्ट का लॉस कर रहे हो। जिस समय पर आप किसी कंसेप्ट को 10 बार रिकॉल कर सकते थे, आपने वो ध्यान कहीं और दे दिया, जबकि वो कॉन्सेप्ट में देना चाहिए था। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे माइनर पॉइंट्स हैं जो आपको आईआईटी के अंदर पहुंचाएगी। कभी आईआईटी के अंदर जाओगे तो पता चलेगा, जब जाओगे ना क्रैक करके, तब पता चलेगा कि यार सच में यहाँ के लड़के बहुत ऑनेस्ट है। अरे इंडिया का क्रीम लड़का पहुंच रही है, ऑब्वियस ही बात है यार, इन 500 में से भी 140 पहुंच रहा है। तो क्वालिटी तो उसके अंदर है ना, न कि केवल पढ़ाई की क्वालिटी। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, आपके ना साइकिल का चक्का उसके पैर पर चढ़ जाए और आप उसको सॉरी बोल दो, वो गुस्सा नहीं करेगा, वो मुस्कुरा के निकल जाएगा या चुपचाप हॉस्पिटल चला जाएगा या अपनी गलती मान लेगा, यहां मेरी ही गलती, आपसे लड़ाई नहीं करेगा, 100% में गारंटी देता। लेकिन बाहर देखो तो मार काट सब स्टार्ट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो आईआईटी के अंदर सब क्रीम लड़के पहुंचते हैं, तो आपको उस लायक बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आप उसके अंदर पहुंचिएगा। केवल पढ़ने से, केवल एग्जाम के प्रिपरेशन करने से आप उसके अंदर नहीं पहुंच पाइएगा। और इसका मैं 3 साल प्रैक्टिकल किया हूं, बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया हूं, 2020 में भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, सॉरी 2020 में, 2021 में मेरे पास एक ऐसा लड़का आया था कि हर एक क्वेश्चंस को विद इन टू मिनट सॉल्व करता था। लेकिन मैं उसको बोल दिया कि तुम आईआईटी में नहीं जाओगे, वो लड़का नहीं ही गया, कहा कि आईएसआई होंगे कि तुमसे दुनिया का कोई एग्जाम नहीं निकलेगा, तुम दे करके देखो, नहीं निकला। कहा कि मैं अगले साल दूंगा, कहा कि तुम कभी भी दे दो, तुमसे नहीं निकलेगा, जब तक कि तुम अपनी सोच नहीं बदलोगे तुमसे एग्जाम नहीं निकलेगा। उस लड़के से एग्जाम नहीं निकला, जबकि पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था, झारखंड का लड़का, नहीं ही वो निकाल पाया, जबकि पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट, मेरे पास उसके जैसा कोई स्टूडेंट नहीं था, इतना इंटेलिजेंट था, लेकिन नहीं निकाल पाया। सेम 2022 में बोला, उसका भी नहीं निकला, ठीक है उसका भी, लेकिन वो लास्ट जाते जाते सुधर गया था, तो उसको एक कॉलेज मिल गया है, NIT मिल गया है, ठीक है ना।
लास्ट जाते जाते अपने आप को सुधार लिया था समझाने को, मुझे लगा था कि वो समझाने पर समझ जाएगा, वो समझ गया था तो वो, लेकिन लास्ट फेज में जाकर के अपने आप को सुधारा उस फेज में कि अब समय कम बचा था उसको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, फिर भी गलती करते करते बच गया, ठीक है ना, माने एक मार्क्स के लिए वो बचा है, नहीं तो बाहर ही होता है। तो गलती अपनी सुधारा, आज उसके अंदर है, आईआईटी के भी अंदर होता, लेकिन वो आईआईटी उसको कानपुर नहीं जाना था तो वो एनआईटी त्रिची गया, ठीक है ना। तो मेन चीज आपका इंटेंशन है, केवल पढ़ने से नहीं होगा, ऑनेस्ट भी रहने की कोशिश करना है, और उनके लिए तो सबसे ज्यादा ऑनेस्ट रहो जो आपके लिए ऑनेस्ट है, ठीक है ना। चीटिंग मत करो किसी को, ठीक है ना, किसी को चीटिंग मत करो, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें, और जहां तक बात है कोचिंग की, तो चीजें ऑनलाइन है, ठीक है, तो आराम से यूज करो इसका, क्योंकि जब देखो जितने हमारे पास बच्चे आएंगे उतना बेहतर होगा, आपको उतना ज्यादा बेहतर फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है, और उतना ज्यादा बच्चों को सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एग्जाम का केवल आपका पर्पस एग्जाम क्रैक करना ही नहीं होना चाहिए, बहुत कुछ सीखना भी होना चाहिए। बेहतरीन ऐसे बनो कि कहीं भी जाओ और जिस चीज पर हाथ रखो वो सोना बन जाए, यानी जिस फील्ड में आप हाथ डाल दो उस फील्ड में आपको महारत हासिल हो जाए। तो यह सीखने से होता है, बेहतर आचरण से होता है, बेहतर कैरेक्टर से होता है, ठीक है ना, ऑनेस्टी से होता है, मेहनत करने से होता है, तप करने से होता है, ये सारी चीजें आपके अंदर, ये सारी चीजें इतना करने के बाद डेवलप होता है। और ऐसा नहीं कि आपका एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो आपने कुछ नहीं किया। और सफलता दो टाइप की होती है, एक आपने बिना मेहनत का असफल हो गए, यानी आप बिना एक मेहनत का असफल हो गए तो आप लाइफ में कभी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, एक आपने मेहनत किया और असफल हो गए तो आप यह समझिए, यानी आपने ये सब कुछ क्राइटेरिया फॉलो किया, फिर मान लो कि अब सपोज दैट कि अब 200 बच्चे इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ ऑनेस्ट भी है, चीटिंग भी नहीं कर रहे, सब कुछ परफेक्ट है 200 में या 2 और सीधे 140, तो या जाएंगे तो 140 ही ना, 60 तो रह जाएंगे, लेकिन मैं इसकी 100% आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि इन बाकी 60 के लिए ना कुछ बेहतर है, इससे भी बेहतर उनके लिए है, बाकी 60 बच्चों के लिए इससे भी बेहतर उनके लिए कुछ बना हुआ है, बस अभी आपका समय नहीं है ये मान। जिस दिन समय आएगा तो आपका समय नहीं दौड़ चलेगा, तो बोलते हैं ना कि आपका समय आया है मेरा दौड़ आएगा, नहीं विकास देवी कीर्ति सर बोलते हैं ना कि आपका समय आया है हमारा दौड़ आएगा, तो वो सारी चीज है कि इनका समय आया है और इसका दौड़ आएगा, वो चीज है। तो ये सारे पॉइंट्स है आपको ध्यान रखना है पढ़ाई के साथ साथ, केवल पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने के साथ साथ ये भी करना है, यह भी करना है, इंटेंशन क्लियर रखना है। इंटेंशन मतलब कि किसी के बारे में गलत मत सोचो, किसी की टांग खींचने की कोशिश मत करो, किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराइयां हर किसी के अंदर है, न कि केवल दूसरे के अंदर है, आपके अंदर बुराइयां नहीं है, ऐसी बात नहीं है, जब खुद पर आती है ना तो आपको पता चल जाता है, वो बुराइयां अपने आप प्रवेश कर जाती है जब खुद पर पड़ती है, ठीक है ना। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल दू, सामने 500 रुपया गिरा है, ठीक है, और आप दूसरे को बुराई किए थे और आपके सामने अचानक 500 रुपया आएगा तो आप उठा लोगे ना, तो उस समय कहाँ गया आपका सोच, उस समय तो बड़ी ज्ञान दिए जा रहे थे उसको, ऐसा नहीं करना चाहिए था। खुद जब खुद पे आए तो सब सही है, दूसरा करे तो सब गलत है। तो वही बात है ना कि तुम करो तो रास लेला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, बात तो वही आ गई नहीं, तो आराम क्या फायदा है। इसके बदले 4 कॉन्सेप्ट सोच लो, एक हो कि हाँ होता है या सबके अंदर थोड़ी बहुत है, तो ऐसे कह के टाल सकते हो या क्षमा कर सकते हो, सबसे बड़ा वही है जो क्षमा करता है, ठीक है ना, क्षमा करने वाला सबसे बड़ा होता है, चाहे वो कितना ही बुरा इंसान क्यों ना, यदि उसने किसी को क्षमा कर दिया तो वो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा धरती पर कोई नहीं है। तो क्षमा कर दो
तो बस स्टेबल रहोगे, शांति। हाँ एक चीज और बतलाना था, ये तो हो गया। एक चीज और कि आप जब ऑनेस्ट रहोगे, चीटिंग नहीं करोगे, इंटेंशन क्लियर रखोगे, तो जो आपके अंदर की स्टेबिलिटी है ना, जो जो आपका अंदर का अंतर मन है, वो बिल्कुल स्टेबल रहेगा। और इसका फायदा आपको टेस्ट देते समय मिलेगा। अब क्या इसका फायदा मिलेगा? एक तो कंसेप्ट बड़े फ्लो में दिमाग में आएगा जो सीखे हो। दूसरा कि 1+1 3 नहीं होगा, ठीक है ना? अब क्योंकि ये भी होता है, टेस्ट देना हो जाएगा, आंसर बी आएगा, आप सी नहीं टिक करोगे, बी ही टिक करोगे। न्यूमेरिकल टाइम में 0.2 फील करना है तो आप 2 नहीं फील करोगे, 0.2 ही फील करोगे। 1/ln2 की वैल्यू निकालना है तो आप ln2 की ही वैल्यू निकालोगे, 1/ln2 की वैल्यू नहीं निकालोगे, सॉरी 1/ln2 की वैल्यू निकालना है तो आप ln2 की वैल्यू नहीं निकालोगे, 1/ln2 की ही वैल्यू निकालोगे। log2 की वैल्यू निकालना है, सॉरी ln2 की वैल्यू निकालना है, और आपने log2 की वैल्यू निकाल दिया, क्योंकि कैलकुलेटर में log का मतलब base 10 होता है। आप ln2 की ही वैल्यू निकालोगे, log2 की वैल्यू नहीं निकालोगे। अब सोचो कि आपने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बस आंसर फिल करना है, और आपने बी को सी फिल कर दिया, 1 - 1 को 2 लिख दिया, ln2 के बदले log2 निकाल दिया, तो ये क्या हो गया? सारा मेहनत आपका, सारे मेहनत पर पानी फिर गया। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है? स्टेबिलिटी के चलते। आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि आप अंदर से अशांत हो। अशांत किस लिए हो? क्योंकि आपके अंदर ये सारी चीजें घूम रही है, इसलिए आप अंदर से अशांत हो। तो ये सारे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं पढ़ाई करने के साथ साथ। तो आपका अगला क्लास में मैं रियल नंबर स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना? अगले क्लास में रियल नंबर। तब तक आप क्या कर सकते हो? आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी किसका? प्लस टू का। क्या पढ़ना है ये मैं बतला देता हूं। उसमें एक फंक्शन होगा, वो पढ़ना है, लिमिट पढ़ना है, कॉन्टिन्यूटी पढ़ना है, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना है, मीन वैल्यू थ्योरम यदि पढ़ पाओ तो अच्छी बात है, या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कह दो एक लाइन में, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है, मैट्रिसेस पढ़ना है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पढ़ना है। ये सारे पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी में पढ़ना है। यदि आप खुद से पढ़ सकते हो तो काफी अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो अगले क्लास से स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना? अगले क्लास से यह सारी चीजें स्टार्ट हो गई हैं, तो अभी चीजें स्लो ही रहेगी आपकी, क्योंकि थोड़ा इनका निकल जाए अच्छे से, क्योंकि आपके पास देने के लिए मेरे पास 1 साल एग्जैक्ट है, और इनके लिए मात्र 1 महीना है, और इनका गोल्डन पीरियड है। तो ये सारे पॉइंट्स है, और आपको थोड़ा कोऑपरेट भी करना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स है। तो यदि किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो वो मेरे से पूछ सकता है या डिस्कस कर सकता है।